खबर यह है कि एमक्यूएम पाकिस्तान की राबता कमेटी के रुकन अमीनुल हक ने कहा है कि शहर में कुतुब मेले का इनेकाद इस बात की गमाजी कहता है कि आज भी लोग किताबों से मोहब्बत करते हैं। बज़्म में फरोग़ इल्म व अदब और फरीद पब्लिशर्स के ज़ेर-ए-एहतमाम डायमंड मैरिज हॉल फेडरल बी एरिया में कुतुब मेले का इनेकाद किया गया। इस मौके पर एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा शकील अहमद, अमीनुल हक, चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी समेत दीगर भी मौजूद थे। कुतुब मेले से खिताब करते हुए अमीनुल हक ने कहा कि शहर में कुतुब मेले का इनेकाद इस बात की गमाजी करता है कि आज भी लोग किताबों से मोहब्बत करते हैं। इस वक्त तालीम पर कुल बजट का सिर्फ 2.9% ही खर्च हो रहा है, जो कि इस मुल्क की बदनसीबी है। हम इस बजट को 10% तक लेकर जाएंगे। उनका कहना था कि कराची में इस वक्त सबसे ज़्यादा टैक्स अदा करने वाला शहर है, लेकिन इसके मेयर के साथ साथ बल्दियाती नुमाइंदे भी बेख्तियार। सूबाई हुकूमतों को चाहिए कि अख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल करें। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी का कहना था कि कुतुब मेले के इनेकाद से ही उम्मीद की जा सकती है कि मुस्तकबिल करीब में तलबा में किताबें पढ़ने की जानिब रुझान में इजाफा होगा। उन्होंने फरीद पब्लिशर्स के रूह रवा सैयद फरीद हुसैन को 15 बरस से तसलसल के साथ कुतुब मेले के इनेकाद पर खराज तहसीन भी पेश किया।